सब ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब ऐसे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी। मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। एक मेरे भाई ने, ये नीचे मैं कमेंट्स दे रहा हूँ, उसने लिखा हुआ है कि सब होंडा वाले दो नंबर हैं, मैंने 2 मंथ हो गया बाइक ली हुई है तो इसका चैन ग्रेडी सेट ख़राब हो गया। देखें सर, जो होंडा बाइक आपको बना के दे रहा है उसके बाद आपकी भी कोई जिम्मेदारी है कि आपने उसकी मेंटेनेंस, उसको अच्छे तरीके से चलाएँगे तो इंशाल्लाह कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं होगी, क्योंकि बाइक से टेक्निकल फॉल्ट कोई ना कोई निकल आता है। रही बात ग्राड़ी सेट की, तो ग्राड़ी सेट आप जब भी नया भी कोई डलवाते हैं तो उसको, मैंने पहले भी उसके मतलब एक वीडियो बनाई थी कि चैन ग्राड़ी को ऑयल नया लगवाएं, ठीक है, और जिधर से भी अलाइनमेंट करवाएं उसकी एडजस्टमेंट ठीक करवाएं। जब आप उसकी एडजस्टमेंट अलाइनमेंट नहीं ठीक होगी, ऑयल नया नहीं लगवाएंगे तो वो 1 माह भी नहीं निकालेगा, 2 माह की तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जो पुराना ऑयल होता है उसकी थिकनेस उसमें नहीं होती। जो न्यू वाला ऑयल जो बाइक के अंदर इंजन में डालते हैं ना, वो वाला ऑयल साफ लेके आप अपने पास रख लें, या मैकेनिक जब जहाँ पे जाके चैन टाइट करवाते हैं तो कोशिश करें उसको कहेंगे यार मेरे से चार्जेस ले रहे हैं लेकिन ऑयल नया लगा के दे, उससे लाइफ आपकी ग्राड़ी सेट की ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। कोशिश करें कि जेन्युइन ग्राड़ी सेट को ऑयल नया लगवाएं, और जो है उसके बाद जी ठीक है, अगर आप उसको नया ऑयल लगवाएंगे तो आपकी बाइक का ग्राड़ी सेट जल्दी ख़त्म नहीं होगा। वैसे भी होंडा कंपनी जो है ना, इसको तकरीबन 6 माह या 6,000 किलोमीटर की वारंटी देती है टेक्निकल के पार्ट लो बॉडी पार्ट्स में, इंजन की 3 साल या 20,000 किलोमीटर होती है, लेकिन ग्राड़ी सेट की मैक्सिमम वो देती है 1,000 या 500 किलोमीटर तक वारंटी। कोशिश करें कि आप इसको ऑयल नया लगवाएं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसकी कंप्लेन नहीं होगी। तो आज की मेरी वीडियो इसी में तलेगी, नेक्स्ट वीडियो के लिए